अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शटरमान। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो को करते हैं ये आगाज़। आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल भी है और थोड़ी डिफरेंट भी है। डिफरेंट इस हिसाब से है कि आज हम जा रहे हैं सिटी स्कूल, यहाँ का एक बेहतरीन स्कूल है, वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर आज है एक फंक्शन ओपन डे के हवाले से, जहाँ पे ओपन डे बच्चों के न्यू एडमिशन के बारे में भी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आज दी जाएगी। सेकेंडली आज कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कुछ छोटी छोटी परफॉर्मेंस भी है स्पेस के हवाले से, और कुछ बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं पर्सनली भी और ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी। तो चलते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं बच्चों की एक्टिविटीज़ और वहाँ पर क्या एटमोसफियर है, वहाँ पर जाके आपके साथ शेयर करते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं जी सिटी स्कूल। सिटी स्कूल के बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ से चलते हैं अंदर और जाके देखते हैं स्कूल के अंदर क्या माहौल है। तो ये हो रहा है जी बच्चों का स्पेस शो परफॉर्मेंस। बच्चों ने जी छोटे बच्चे हैं प्ले ग्रुप के, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही है। इतनी छोटी उम्र में बच्चे बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और अपने टीचर को फॉलो करते हैं, और ये इस वक्त उनकी परफॉर्मेंस चल रही है। गाना हमने कट कर दिया है बिकॉज ऑफ कॉपीराइट। तो यहाँ पे बच्चों ने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, ये देखें। कुछ बच्चों ने इंडिविजुअली और कुछ ग्रुप वर्क किया हुआ है, बहुत अच्छा। और अभी हम वन बाय वन आपको दिखाते हैं बच्चों के परफॉर्मेंस जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। सर, वी आर डूइंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग विच इज अ मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग इम्प्यूरिफाइड मेटल्स, बट वी आर डूइंग इट इन अ वे दैट वी यूज सोलर एनर्जी। कंप्यूटर साइंस की लॉजिक गेट्स ले आते हमें हमेशा एंड पे याद आते हैं। How much your board members? Good. Now you. Sir, method is at first we then left to cover for an egg. Also electroplating is also used to make any product more durable and more appealing to look at. Very good. Energy, which is a renewable resource rather than a unrenewable resource. Solar energy made up of sun. I'll test. That's all. बेटा 5 मिनट बाद चेंज लेजिएगा मुझसे, ठीक है? 5 मिनट अभी ले जाओ। Hi, what is this? हमारा आज का टाइटल है मैग्नेटिक सेपरेशन इंट्रोडक्शन। सम मेटल के अटैच चुंबकीय मैग्नेट व्हेन केम इनटू कांटेक्ट विद सोइल। फंक्शन ऑफ द सोइल एंड अ मैग्नेट। इफ वी विल mix the magnet with the soil, the magnet will attract towards the magnet.
You can see the magnet attract towards the magnet. The metals to attract towards the magnet because they have magnetic properties. Nice. When you are going to work, you have spoken electricity with Jackie. You have to take funnel and our electricity was funnel and the paper, filter paper and one glass and तो ये तो सारे हैं जी बच्चों के प्रोजेक्ट्स जो आप देख सकते हैं। बच्चों ने बहुत मेहनत की है और ये तैयार किए हैं, और अभी इसके बाद एक छोटा सा ड्रामा जो है वो सिटी स्कूल ने तैयार किया था, जो कि तारीख के करैक्टर पर मबनी है, दारा शिकोह पे। दारा शिकोह जो कि मुगल ख़ानदान का एक शहजादा था, उस पर बनाया है। उसके हम छोटे छोटे आपको क्लिप दिखाएंगे, पूरा ड्रामा तो नहीं दिखा सकते, काफ़ी बड़ा है, तो छोटे छोटे क्लिप बीच बीच में दिखाएंगे। ये ड्रामा बेसिकली झांग के एक ड्रामा फेस्टिवल में तैयार किया गया था, और बच्चों ने वहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे अवार्ड विन किए हैं इस ड्रामा की परफॉर्मेंस से। तो अभी छोटे छोटे क्लिप हम आपको ड्रामा के दिखाते हैं। भाईटा आप क्या खेल खेल रही थी? कुछ नहीं, यही शतरंज की बाजी का जिक्र था। मैं तो आपको खुद मुबारकबाद पेश करने के लिए हाजिर होने वाली थी। मैंने जब से एक खबर सुनी है, दिल ही दिल में बारी सत्ते जा रही हूँ। खुदा आपको ये तख्त मुबारक करे। कौन सा तख्त रोशन? वल्ला हद हो गई है बेखबरी की। महल के कोने कोने में चर्चा है कि आज ले सुभानी ने आज, मगर इस सब के बावजूद अफवाहें दक्कन और गुजरात तक जा पहुंची हैं। मुराद ने अपनी तफनशीनी का ऐलान कर दिया। मुहयुद्दीन की फौजें राजधानी की सीमत पर रही हैं। हम दरबार करेंगे, क्या हमारे जीते जी वो जान नशीनी के लिए खून खराबा करना चाहते हैं? हम उन्हें हुक्म देंगे कि वो बगावत से बाज आए। मैंने सबका खून कर दिया, सबका खून। दाऊद खान, ये तुमने क्या किया? एक बेयात्रा छह सप्ते के लिए तुम खुद बेयात्रा हो गए। और मलिक जीवन, तुम क्या चाहते हो? अपना नाम। अब तारा के पास कुछ नहीं है, मगर शिकस्त का मुहय्युद्दीन के हवाले करके अब भी बहुत कुछ पा सकता हूँ। जीवन, क्या इंसान इस कदर एहसान पर आपोश भी हो सकता है? क्या इस कदर जलील भी हो सकता है? क्या तू वो दिन भूल गया जब हमने तुझे हाथी के पांव तले कुचले जाने से बचाया था? वो शहजादा दारा था, ये बागी दारा है। अगर आप अपने मुल्हदाना ख्यालात से तौबा कर लें तो खुदा आप भी बड़ा गफ्फार है। उससे कहना दारा व्यापारी नहीं है, अपने ख्वाबों के लिए मर सकता है, उनकी तिजारत नहीं करता। उससे पूछना कि क्या इंसानियत को प्यार करना कुफ्र है, और अगर इंसानियत को प्यार करना कुफ्र है तो तख्तोताज के लिए बाप बेटे को कत्ल कर देना कुफ्र नहीं। उससे कहना कि ये भी खुदा ही का करिश्मा है कि हम में से एक को जल्लाद का रूप मिला है और दूसरे को मजलूम का, एक का दिल बना है और दूसरे का सर नजर को तैयार है।